बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सहाबी बारक वसल्लम व सल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं आसिफ ट्यूशन सेंटर चैनल। अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन तक स्टूडेंट को अतबार ट्रस्ट होकर जिससे लेक्चर लेते हैं कि हमें लेक्चर देने की अहलियत रखता है या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला मैंने 5 एमए किए हैं, एमए इस्लामियत, एमए इंग्लिश, एमए हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए पाकिस्तान स्टडी, छठा एमए उर्दू, उसका रिजल्ट वेटिंग में है। 7वीं डिग्री आईआर की इजाज़ी है, 8वीं एलएलबी की, क्योंकि 6ठी डिग्री अभी नहीं आई उर्दू की, तो इसलिए 60 डिग्रियाँ। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह ताला मैं गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर मेडलिस्ट भी हूँ, तमाम डिग्रियाँ पंजाब से हासिल की हैं। हमारा ला गेट की सीरीज़ का सिलसिला शुरू है और आज इसका हमारा पीपीसी का जो है वो चैप्टर 4 है, जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा कीमती है और ला गेट के इम्तहान के हिसाब से बड़ा कीमती है। डेफिनेशन में से मेरे भाई ज़रूर सवाल बनेगा चैप्टर 2 में से, और इसमें चैप्टर 4 में से भी ज़रूर सवाल बनेगा। पीपीसी के इस तमाम जो जो सिलेबस है उसमें उसने एक एक दो दो सवाल आपको बना कर देने और 10 सवाल उसने पूरे कर देने। 10 नंबर बड़े कीमती हैं, 10 नंबर बहुत कीमती हैं। एक नंबर से आप फेल होते हो जाते हैं और आपका लसेंस रह जाता है। तो 10 नंबर हैं और पीपीसी इतना ईजी है कि अगर एक मरतबा इसको आपने जहन में कंसेप्ट क्लियर कर लिया तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो एक थोड़ा सा मशवरा आपके लिए, करना ना करना आपकी अपनी मर्ज़ी है। हम उस्ताद होने के नाते अपना फ़र्ज़ अदा कर देते, उस्ताद रूहानी बाप होता है। अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया, जिसने मुझे एक लफ्ज़ पढ़ा दिया मेरा आका मौला हो गया। उस्ताद चाहे आमने सामने बैठ के पढ़ाए या आपको किसी डिवाइस के पीछे से, जैसे मॉडर्न डिवाइस से पढ़ाए, उस्ताद रूहानी बाप ही होता है, ठीक है। अल्लाह ने फरमाया हमने तुम्हें 3 बाप दिए, हदीस बुखारी में है, 3 बाप दिए। एक वो जो तुम्हें अदम से वजूद में ले आया, तुम्हारा असल बाप। दूसरा वो जिसने तुम्हें बेटा या बेटी दी, यानी तुम्हारा सुसर। तीसरा वो जिसने तुम्हें नूर के घूट पे ला के आसमान की बुलंदियों पे बिठा दिया, यानी तुम्हारा उस्ताद। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और यकीन जानो मेरे रब की कसम, इनमें से सबसे बड़ा दर्जा आखिरी का है, यानी उस्ताद का सबसे बड़ा दर्जा है। अगर एक तरफ सुसर और उस सगा बाप बुलाए, एक तरफ उस्ताद बुलाए, तो आप उनकी बात नहीं सुनेंगे, पहले उस्ताद की बात सुनेंगे, ठीक है। तो हम आपका फ़ायदा चाहेंगे, कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। 22 साल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम आप हमारे बेशक उम्र में ज़्यादा हों या छोटे हों या बराबर हों, तो हमारे लिए आप स्टूडेंट ही हैं। हम आपका फ़ायदा चाहेंगे कि आप कामयाब हों। हमने चैनल इसलिए स्टार्ट किया कि आप कामयाब हों, मुफ्त इसलिए स्टार्ट किया, वरना हम भी तो भाई पैसे ले सकते थे। हमने कहा नहीं, मुफ्त करें, अपने आखरत का ज़रिया बना लें। अल्लाह ताला ने बहुत दिया है और इंशाल्लाह बहुत देगा, ठीक है। बस आपकी दुआ चाहिए, ठीक है। तो मशवरा ये है कि जो चैप्टर 2 था ना, वो आपको हमने एक एक लफ्ज़ करके पढ़ाया रीडिंग के तहत, इसलिए उसको हमने क्या कर दिया, बहुत लंबा चैप्टर हो गया। वो क्यों किया, क्योंकि एक लफ्ज़ रीडिंग के जो है डेफिनेशन में से, एक लफ्ज़ के बदल जाने से पूरी की पूरी डेफिनेशन बदल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डेफिनेशन में अगर और आ गया तो उसका मतलब बन जाएगा या तो ये या तो ये। मसलन अगर आ गया फाइन आर पुनिशमेंट, तो अब जज की सवाब दीद पर है, चाहे जुर्माना लगाए चाहे सजा दे। अगर कहता है फाइन एंड पुनिशमेंट, और की जगह पे एंड लिख दिया, तो उसका मकसद क्या बन गया, जुर्माना भी है और सजा भी है। तो कितना प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कीमती है कि अगर आपने कानून में पढ़ा के और का लफ्ज़ पढ़ा फाइन आर पुनिशमेंट, तो अपने क्लाइंट को जिस टाइम अदालत में पेश करें उसको आप तसल्ली दे दें कि आपको सज़ा नहीं होगी, इंशाल्लाह ताला आपको जुर्माना करवा देंगे। अगर एंड लिखा है तो आप उसको क्या कह देंगे, नहीं मेरे भाई फाइन एंड पुनिशमेंट है, तैयार होकर चलो, आपको जुर्माना भी लगना है और आपको सज़ा भी होनी है। देखा, तो एक डेफिनेशन की उससे कितना वो मतलब बदल गया। तो उसको लफ्ज़ लफ्ज़ पढ़ना, वरना आपको फेल करवा देगी ये डेफिनेशन, ठीक है। हमने जान बूझ कर 1.5 घंटे की बनाई है ताकि अपना फ़र्ज़ अदा कर दें। बेशक आपको बुरा ही क्यों ना लगता हो कि इतनी लंबी सी उसने वो क्यों बना दी, सिर्फ एक सेक्शन के ऊपर बना दी, एक क्या नाम है डेफिनेशन पे इतनी बड़ी वीडियो बना दी, अपना गला ख़राब किया, अपना वक्त ज़ाया किया, क्यों, ताकि अपना फ़र्ज़ अदा कर दें। बाकी आपका नसीब है, अगर फॉलो कर लेंगे आपकी मर्ज़ी, नहीं तो नहीं। हमें क्या गर्ज़ है कि हम किसी पर को फोर्स करें, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी। अब हमारा चौथा चैप्टर स्टार्ट हो गया। और हाँ, दूसरा सवाल ये कि क्या जो हम आपको ला गेट में पढ़ा रहे हैं, क्या यही वाला मैटर जो है हम आपको आगे जाकर एलएलबी में पढ़ाएंगे? हाँ, जैसे ही ला गेट के लेक्चर ख़त्म हो जाएंगे, जो हमने ला गेट में पढ़ाया वो एलएलबी में दोबारा पढ़ाएंगे एलएलबी के हिसाब से। यहाँ सिर्फ इतना मैटर बताते हैं मुख्तसर सा कि जो ला गेट के लिए कीमती होता है, बस।
वकालत के हिसाब से बड़ा डीप के अंदर लेक्चर होंगे, वो आप बाद में देखेंगे। हमारा चैप्टर 4 है पीपीसी का जनरल एक्सेप्शन, आम इस्तिस्ना। ये इतना कीमती चैप्टर है कि ये एक शख्स ने कत्ल भी कर दिया और जानबूझकर कर दिया, मगर उसके बावजूद वो शख्स जो है वो कातिल नहीं। जानबूझ का मतलब ये नहीं कि खुद कर दिया, यानी उसके हाथ से हो गया, इन गुड फेथ हो गया, उसने कत्ल भी किया उसके बावजूद उसको कोई सज़ा नहीं है। ये चैप्टर इस तरह की बातें आपको बताएगा। एक शख्स ने अपनी प्रॉपर्टी को बचाते हुए किसी चोर को जान से मार दिया, वो फिर भी मुजरिम नहीं है। एक औरत ने अपने आप को रेप से बचाते हुए उसको मार दिया, रेपर को, तो वो मुजरिम नहीं है। तो ये इतना कीमती चैप्टर है, मगर ये कीमती कब बनेगा? इसकी हर सेक्शन के ख़ास एसेंशियल होंगे, वो एसेंशियल, वो लवाजमात पूरे होंगे तो वो सेक्शन काम करेगी, वरना वो सेक्शन काम नहीं करेगी। इसलिए हर सेक्शन के अलग एसेंशियल हैं, मगर हर सेक्शन में एक एसेंशियल ज़रूर है कि इन गुड फेथ, अगर वो उसने अच्छी नीयत से किया और फिर कोई बंदा मर गया, किसी का नुकसान हो गया, तब वो मुजरिम नहीं है। इन गुड फेथ के अलावा हर एक के अलग एसेंशियल है, इसलिए आपको एसेंशियल समझ कर टिक करना है ला गेट पे। अगर एसेंशियल पूरे नहीं हो रहे उस सेक्शन के, तो आप समझ जाएं कि हाँ यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ है, ठीक है। तो हम आपको ट्रिक भी बता देंगे एंड के अंदर, मगर क्या नाम है, पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये 76 से लेकर 106 तक शुरू होती है, ठीक है। और आज के जो लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो 76 से लेकर 90 तक पढ़ेंगे, फिर 96 से लेकर 106 तक बाद में पढ़ेंगे। और दूसरी चीज़ आपसे पूछ सकता है कि जो पीपीसी का चैप्टर है 4, इसके कितने हिस्से हैं? इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा 76 से लेकर जो है 95 तक का है, वो हिस्सा जनरल एक्सेप्शन कहलाता है। और जो 96 से लेकर 106 तक है, वो हिस्सा प्राइवेट डिफेंस कहलाता है, सेल्फ डिफेंस कहलाता है। तो आपसे सेक्शन रेलिवेंट पूछ सकता है कि सेल्फ डिफेंस की सेक्शन कौन सी है, तो आपने क्या पेपर में लिखना है कि ये 96 से लेकर 106 तक सेल्फ डिफेंस, जिसको प्राइवेट डिफेंस भी कहते हैं, अपना दिफा, वो वाली है 96 से 106, और बाकी 76 से जो 95 तक है वो सारी की सारी जो है वो जनरल एक्सेप्शंस के अंदर आती है। हम स्टार्ट कर रहे हैं 76। 76 हमें ये बताती है कि कोई शख्स अगर हालात की गलत फहमी के अंदर आकर कोई जुर्म कर बैठे, या वो शख्स इस गलत फहमी में हो कि मैं इस काम को करने के लिए पाबंद हूँ, मुझ पर लीगल ड्यूटी है, और वो कोई ऐसा गलती या जुर्म कर बैठे, तो वो मुजरिम नहीं है। देखो 76 क्या कहेगी, एक्ट डन बाय ए पर्सन, एक शख्स काम करता है बाउंड के, जो बाउंड है, पाबंद है, या बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, या वो हालात की मिस्टेक की वजह से बिलीविंग हिमसेल्फ, अपने आप को तसव्वुर करता है बाउंड बाय लॉ के, कानून के ज़रिए से वो शख्स बाउंड है, कानून के ज़रिए ड्यूटी बाउंड है। यानी ये सेक्शन ये कहती है कि एक शख्स हालात की गलत फहमी के अंदर आकर अगर कोई जुर्म करता है, या वो ये समझता है कि हाँ मैं कानूनी तकाज़ों की वजह से मैं पाबंद हूँ इस काम को करने के लिए, तो उसने कोई जुर्म नहीं किया। मसलन एक पुलिस वाला है, और वो आपको ये मिसाल दे देगा, ठीक है, इसलिए ये मिसालें गौर से समझना। वो आपको कहेगा एक पुलिस वाला है, उसने जेड को पकड़ना है, ठीक है। सवाल इस तरह के बनेंगे लागेट में 76 का, कि देखो हर एक का अलग अलग सवाल बनेगा, कि एक पुलिस वाला है, उसने जेड को अरेस्ट करना है, और वो गलती से ये समझ बैठता है कि जो वाई है वो जेड है, और वो वाई को अरेस्ट कर लेता है, तो क्या जो था पुलिस वाले ने, पुलिस ऑफिसर ने कोई जुर्म कमिट किया? आप कहेंगे नहीं, ठीक है, तो उसने जुर्म नहीं किया। मगर इसके एसेंशियल क्या है, ऐसा करने के लिए क्या क्या होना ज़रूरी है कि उसने ये किया भी, उसके बावजूद भी वो मुजरिम नहीं, उसने किसी गलत बंदे को अरेस्ट करके आगे थाने में पेश कर दिया, बाद में पता चला ये तो नहीं है, तो उसका एसेंशियल क्या है? पहला एसेंशियल है इन गुड फेथ, उसने अच्छी नीयत से किया हो, बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, उसने हालात की गलत फहमी में आके किया हो, यानी हालात की गलत फहमी है। देखो दो होते हैं, एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, एक मिस्टेक ऑफ लॉ, एक कानून की गलत फहमी, एक है हालात की गलत फहमी। अगर वो लिख दे बाय मिस्टेक ऑफ लॉ, पूरी की पूरा आपका 76 का मतलब ही बदल के रख दिया, ठीक है। अगर वो लिख दे कि एक पुलिस ऑफिसर एक शख्स वाई को अरेस्ट कर लेता है जेड समझकर बाय मिस्टेक ऑफ लॉ,
तो क्या उसने जुर्म किया? आप कहेंगे जुर्म किया, ठीक है, बाय मिस्टेक ऑफ लॉ लिखे तो जुर्म किया। अगर कहता है बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, फिर जुर्म नहीं है। देखो उसमें कितना कीमती लफ्ज़ है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट लिखेगा तो वो मुजरिम नहीं है, मिस्टेक ऑफ लॉ लिख दिया वो मुजरिम है, ठीक है। आगे इसी का दूसरा हिस्सा है कि बिलीव हिमसेल्फ बाउंड, और वो अपने आप को ऑफिसर ये समझता है कि वो कानूनी तकाजे से पाबंद है इस काम को करने के लिए, ठीक है। अब आपको दूसरी इसमें मिसाल देगा, वो ये कहेगा कि एक फौजी ऑफिसर, ठीक है, एक आर्मी का ऑफिसर है, वो अपने बड़े ऑफिसर के हुक्म के तहत, उसको हुक्म मिलता है कि ये पब्लिक जो खड़ी है इसके ऊपर गन चला दो, गोलियां चला दो, और वो उन पर गोलियां चला देता है, तो क्या वो शख्स मुजरिम हुआ? वो ड्यूटी बाउंड है उसको करने का, ठीक है। और उन हजूम के अंदर कोई एक जो है कोई बागी भी खड़ा हुआ है, कोई गद्दार भी है, तो क्या वो मुजरिम हुआ? नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि वो ड्यूटी बाउंड था अपने जो ऑफिसर के हुक्म के ताबे के। अब जो गलती हुई वो किसके ज़िम्मे है? उसके ऑफिसर के। मगर यहाँ पे एक कीमती नुक्ता आपको बता रहा हूँ, वो है एक बड़ी पुरानी किताब है एयर, जिसको AIR इंडिया की किताब है, ये 1940 की है, ठीक है। उस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था, तो उस वक्त जो है लाहौर भी इंडिया में आता था, तो ये लाहौर का केस है, और इसका सफ़ा नंबर है 521। किताब का नाम है AIR यानी एयर, सन है 1940, लाहौर का केस है, 521 सफ़ा है। इसमें जस्टिस रायगस्टन कहते हैं कि गैर कानूनी हुक्म की पैरवी करना सज़ा में कमी तो कर सकता है, मगर उसको 76 सेक्शन का मुकम्मल तहफ़ुज़ नहीं देगा। ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक बता रहा हूँ कि उसने ये कहा, अगर एक ऑफिसर अपने बड़े ऑफिसर का कहना मानता है, और वो जो कहना मानता है वो जो उसको हुक्म दे रहा है वो गैर कानूनी हुक्म दे रहा है, तो वो उसका हुक्म ना माने, अगर मानेगा तो वो सज़ा का मुस्तहब होगा। हाँ, उसको सज़ा कम मिलेगी, क्यों? कि उसके उसने हुक्म दिया था, तो ये उस किताब के मुताबिक है, ठीक है। मगर आपको इसके अंदर क्या कि आपको अगर वो दे प्रैक्टिक उसके अंदर ला गेट में, तो आपने क्या कहना है कि 76 सेक्शन के तहत अगर किसी ऑफिसर ने उसको हुक्म दिया कि आप गोली चला दें, उसने चला दिया तो ऑफेंस नहीं कमिट हुआ, ठीक है। इसी तरीके से कि पुलिस वाले ने क्या नाम है गलती में आकर किसी को पकड़ लिया तो वो मुजरिम नहीं हुआ। 77 क्या कहती है, 77 क्या कहती है, वो ये कहती है कि जब जज दौरान ड्यूटी गलती करे तो वो मुजरिम नहीं है। एक्ट ऑफ ए जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली, जब एक जज अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते वक्त कोई गलती करे तो वो मुजरिम नहीं है, ठीक है। अब कौन कौन से इजेंशियल हैं कि वो पूरे होंगे तब जज जाके मुजरिम नहीं है, अगर उनमें से इजेंशियल ये पूरे नहीं हुए तो जज भी मुजरिम होगा। पहला क्या है, इन गुड फेथ, वो अच्छी नीयत के साथ करे। दूसरा, डन बाय जज, जज करे। तीसरा, एक्सरसाइजिंग द पावर गिवन बाय लॉ, उन अख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए जो कानून ने उसको दिए हैं, अपने अख्तियारात से बाहर अगर जाके करता है तो वो भी जुर्म है, ठीक है। जज को एक काम करने की पावर ही नहीं है, ठीक है, और वो जानबूझकर उसको करता है, अपनी अख्तियारात से तजावुज करता है तब नहीं। फिर आखिर इसका नुक्ता, एक्टिंग जुडिशली, वो बतौर जज बैठ के ये काम करे, ठीक है, वो जज बैठ के काम करे तब। देखो पहला क्या, अच्छी नीयत से करे, बतौर जज करे, अपने अख्तियारात को इस्तेमाल करने के दायरे के अंदर अंदर करे, और वो बतौर जज करे। बतौर जज का मतलब क्या है, वो कोई जज का कोई वो ऐसा फैसला हो जिसमें जजमेंट इन्वॉल्व हो, अपने घर के फैसले कर रहा है, ख़ानदानी कोई मामलात कर रहा है, वो वाला इसके अंदर 77 में नहीं आता। आपको वो सवाल इस तरह का बना के दे सकता है कि अगर एक जज कोई ऐसा हुक्म जारी करता है या कोई ऐसा काम करता है कि वो ऑन ड्यूटी उस टाइम नहीं है, और वो कोई ऐसा काम करता जो डोमेस्टिक लेवल का, और उससे मिस्टेक हो जाती है, तो क्या अब वो मुजरिम है? हाँ, वो मुजरिम है, क्यों कि वो काम अदालती नहीं था। सिंपल वर्डिंग में अदालत नोयत का, अदालती कोई काम करेगा बतौर जज करेगा, अच्छी नीयत से करेगा, अपने अख्तियारात के दायरे में करेगा, ये तमाम लवाजमात पूरे होंगे तो जज साहब जो हैं उनसे अगर कोई मिस्टेक होती है तो वो मुजरिम नहीं है। अब आपको ये सवाल एक इस तरह का बनाकर देगा, अब वो ये कहेगा कि ये काम जो हैं वो इंतज़ामी अमूर के हो सकते हैं, कि क्या ये जो है
वो एग्जीक्यूटिव नेचर के हो सकते हैं, जुडिशली ना हो, एग्जीक्यूटिव नेचर के हो सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ, एग्जीक्यूटिव नेचर के वो काम भी जज अगर हुक्म दे कि जो काम जो है जिसमें जो जुडिशरी का कोई पहलू इन्वॉल्व हो, ठीक है, देखो इस तरह आपको ये सवाल बना के देगा कि अगर कोई जज एग्जीक्यूटिव काम करने का हुक्म देता है, व्हेन ए जज ऑर्डर टू डू एन एग्जीक्यूटिव अफेयर, जब एक जज कोई एग्जीक्यूटिव अफेयर का काम करने का देता है, इन विच जुडिशियल एस्पेक्ट आर आल्सो इन्वॉल्व, उसके अंदर जो जुडिशियल का जो एस्पेक्ट है वो भी इन्वॉल्व है, यानी एग्जीक्यूटिव काम है, इंतजामी काम है, मगर उसके अंदर जुडिशरी का पहलू भी इन्वॉल्व है, डज इट अमाउंट टू अट्रैक्ट द सेक्शन 77, क्या ये 77 सेक्शन को अपनी तरफ रागब करता, उसका फायदा हासिल करता? आप कहेंगे हाँ। ठीक है, देखो अभी तक हमने 77 में क्या देखा, अगर कोई जज अच्छी नीयत से कोई काम करता है, अपने दायरे अख्तियार में रह कर करता है, बतौर जज करता है, और वो उस टाइम कोई काम का हुक्म देता है और वो काम गलत होता है, तो वो मुजरिम नहीं है। आपसे पूछ सकता है सवाल में कि एक जज इंतज़ामी अमूर का कोई काम का हुक्म देता है तो क्या वो मुजरिम है अगर वो गलत कर बैठता है? तो आप ये उसमें देखेंगे कि क्या उस इंतज़ामी अमूर के अंदर कोई जुडिशरी का पहलू इन्वॉल्व है, कोई अदालती सोचो विचार इन्वॉल्व है? अगर वो इन्वॉल्व है तो वो क्या कर सकता है कि वो इंतज़ामी अमूर का भी कोई काम दे सकता है, और फिर वो गलती कर बैठे इंतज़ामी अमूर में, जुडिशरी में नहीं, इंतज़ामी अमूर में, एग्जीक्यूटिव अफेयर में, तब भी फिर वो मुजरिम नहीं होगा। ये सवाल इस तरह बनाता है। ठीक है, फिर आपसे ये पूछ सकता है अगला सवाल इसी के अंदर कि क्या जज सिर्फ कमरा अदालत के अंदर बैठकर कोई हुक्म जारी करेगा जुडिशरी का तब वो लागू होगा, या वो अपने प्राइवेट चैम्बर में रेस्ट रूम में बैठ के कर सकता है? ये आपसे पूछ सकता है कि क्या जज अपने रेस्ट रूम के अंदर बैठ के, जो अदालत से पीछे उसका रेस्ट रूम होता है, उसमें बैठ कर भी कोई हुक्म सादर करे जो जुडिशरी से ताल्लुक़ रखता हो और उसमें मिस्टेक कर बैठे, अब जज गुनहगार है या नहीं, वो मुजरिम हुआ है नहीं, उसने ऑफेंस किया नहीं किया? आप कहेंगे नहीं किया। ठीक है, इसके सबूत के लिए है, बड़ी पुरानी किताब है, सन 1842 की है, इस किताब का नाम है 2MIA, इसका सफ़ा नंबर है 293। वो यही कहता है जितना पुराना कानून होगा और वो नहीं बदलेगा वो उतना ऑथेंटिक, इतना पावरफुल होगा, नए कानून से ज़्यादा पुराना कानून जो है वो बड़ा ऑथेंटिक होता है, वो तब्दील नहीं हुआ क्योंकि वो सदियों से चला आ रहा है, उस पर सदियों से अमल किया जा रहा है, तो वे एक किस्म की वो लीगल अथॉरिटी, ऑथेंटिसिटी बन जाता है। ठीक है, तो 1842 का कानून है। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि जज कमरा अदालत में भी हो और वो ये चैम्बर के अंदर हो, वो अगर कोई हुक्म जारी करता है तो वो मुजरिम नहीं हुआ। अब है 78, ये कहता है कोर्ट के आर्डर के तहत अगर कोई शख्स कार्रवाई करे तो वो भी मुजरिम नहीं है। 78 कहती है कोर्ट के हुक्म के तहत अगर कोई कार्रवाई करे वो मुजरिम नहीं है। तो क्या एक्ट डन पर्सन टू दी जजमेंट और आर्डर ऑफ कोर्ट, कोई कोर्ट के हुक्म की पैरवी करते हुए कोई काम करेगा मुजरिम नहीं है। अब इसके एजेंशियल क्या है, इसके ज़रूरी लवाजमात ये पूरे होंगे तब अगर कोर्ट के हुक्म के तहत कोई शख्स काम करेगा तो वो मुजरिम नहीं है। अगर ये एजेंशियल, ये लवाजमात पूरे नहीं हुए तब वो करता है, तब वो मुजरिम है। अब आप कहेंगे ये मैं बार बार लवाजमात क्यों बता रहा हूँ? भाई वो आपको एक दो लवाजमात की कमी डाल देगा और आप समझेंगे मैं 78 को सही कर रहा हूँ, और फिर आपका गलत हो जाएगा। आप जिस टाइम घर आके कहेंगे मेरा पेपर तो सही हुआ था, मुझे क्यों फेल कर दिया, क्योंकि आपने लवाजमात पूरे सही तरीके से नहीं पढ़े थे। ये कैसे मुमकिन है कि लवाजमात पूरे ना हों, एक इंसान बंदा भी मार दे और उसके बावजूद भी वो शरेआम फिरता रहे? तो ये चैप्टर लवाजमात बताता है। ठीक है, इस चैप्टर में लवाजमात ही आपको उलझाएंगे, लवाजमात को ही आगे पीछे करके वो आपको सवाल देगा। ठीक है, तो सिर्फ लवाजमात हर सेक्शन के देखने हैं, लिख लेने हैं। तो इसके एजेंशियल क्या है, एक्ट डन इन पर्सन टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट, पहला लवाजमात है कि वो जो काम करे वो कोर्ट के आर्डर या जजमेंट के ताबे होके करे, कोर्ट के आर्डर के ताबे करे। दूसरा, सच आर्डर और जजमेंट रिमेन इन फोर्स, ये वाला जो आर्डर है वो एक्सपायर ना हुआ हो। ठीक है, अगर वो आर्डर एक्सपायर हो गया, एक जज साहब ने एक किसी पुलिस वाले को या किसी तामीली को एक आर्डर दिया कि ये जाके आप करें, ठीक है, और उसको पता चल गया कि ये वाला आर्डर एक्सपायर हो गया है, पुलिस वाले को या तामीली को पता चल गया ये आर्डर एक्सपायर हो चुका है, ये उठा लिया गया, अब वो करेगा तब नहीं। हाँ, उसको पता नहीं फिर वो कर लेता फिर नहीं, तो अगर उसको पता है कि वो आर्डर एक्सपायर हो चुका है, रिमेन इन फोर्स नहीं है, तब वो करेगा, तब वो मुजरिम है।
तीसरा लवाजमात इसका क्या है, तीसरा एसेंशियल क्या है, नो मैटर कोर्ट हैड जुरिसडिक्शन एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑर्डर, ये ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट ने जिस वक्त ऑर्डर पास किया था वो जुरिसडिक्शन रखती थी या नहीं रखती थी, अख्तियार रखती थी या नहीं रख सकती। आपको जो सवाल बना के देगा ना वो यही वाला बना के देगा, पहला ये कहेगा कि कोर्ट का ऑर्डर एक्सपायर था, अब वो करेगा तो क्या मुजरिम है, आप कहेंगे हाँ। दूसरा आपको ये वाला सवाल बना के देगा, इस लवाजमात से बना के देगा कि क्या कोर्ट जिस वक्त ऑर्डर पास कर रही थी उस वक्त उसके पास जुरिसडिक्शन नहीं थी, क्या अब भी 78 लागू होगा, क्या 78 उस शख्स को मुजरिम होने से बचा लेगा, हाँ बचा लेगा, क्योंकि उसको वो इस चीज़ का पाबंद नहीं है कि कोर्ट को ये देखे कि कोर्ट उसको ऑर्डर दे आप फलां काम करें और वो कोर्ट से ये पूछता फिरे कि क्या आप जो हैं जुरिसडिक्शन रखते हो नहीं रखते, उसका काम है हुक्म की तामील करना, ठीक है। फिर सबके अंदर वही इन गुड फेथ अच्छी नीयत से करे, और एक आखिरी नुक्ता बिलीविंग कोर्ट हैड सच जुरिसडिक्शन, और करने वाले को ये यकीन होना ज़रूरी है कि कोर्ट इसकी जुरिसडिक्शन रखता है, ठीक है, ये यकीन रखे कि कोर्ट उसकी जुरिसडिक्शन रखता है। उसको साफ पता चल गया कोर्ट जुरिसडिक्शन नहीं रखता, फिर आगे नुक्ते हैं वो LLB में जाके देखेंगे। यहाँ पे आपने क्या देखना है, 78 सेक्शन हमें ये बताती है कि अगर किसी शख्स को कोर्ट हुक्म दे कि आप ये काम करके आएँ, कोर्ट चाहे आर्डर पास करते वक्त जुरिसडिक्शन रखती थी या नहीं रखती थी, ठीक है, वो शख्स उस आर्डर को फॉलो करेगा। अगर वो ये नहीं जानता कि ये आर्डर एक्सपायर हो चुका है, अगर जानता है आर्डर एक्सपायर हो चुका है फिर नहीं, तो वो अगर कोई हुक्मनामे पे तामील करेगा तो वो मुजरिम नहीं है। अब सबसे अहम नुक्ता आपको जो सवाल देगा वो ये कि क्या ये आर्डर रिटर्न होना ज़रूरी है 78 के तहत, या ये वर्बल भी हो सकता है ओरल भी हो सकता है, सिर्फ रिटर्न आर्डर, ओरल आर्डर नहीं, और रिटर्न भी सील्ड हो साइंड हो, ठीक है, यानी वो पूरे लवाजमात को पूरा करता हो तब, ठीक है, तुम्हारा 78 हो गया। 79 ये कहता है कानूनन हक बजानिब अमल करना, या गलती से समझना कि वो शख्स हक बजानिब है। देखो 79 और 76 ये एक दूसरे का उल्ट हैं, वो हम बाद में देखते हैं, ये दूसरे का उल्ट है, ये आपको उल्ट दे के भी इसको उलझाएगा आपको, तो उल्ट दे के भी आपसे सवाल बना सकता है, ठीक है। इसमें 79 में ये कहा गया एक शख्स कोई ऐसा काम करे कि वो ये गलती से समझ रहा हो कि मैं इस काम को करने का हक रखता हूँ, 76 क्या कहती है, वो ये समझे कि मैं काम को करने का कानूनन पाबंद हूँ, वो कहती 76 कानून पाबंद हूँ। 79 क्या कहती, 79 कहती वो समझता मुझे कानून के ज़रिए से मैं हक बजानिब हूँ, मुझे इस चीज़ का हक है, ये यहाँ पर समझता मैं हक बजानिब हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, वहाँ पे क्या समझ रहा है 76 में कि मुझे कानून ने इसको करने का हुक्म दिया हुआ है, मैं ड्यूटी बाउंड हूँ, वहाँ पे ड्यूटी बाउंड है, यहाँ पे जो है वो जस्टिफाइड है, दोनों में लफ्ज़ में बड़ा फ़र्क है, वहाँ पे ड्यूटी बाउंड है, ठीक है, बाउंड बाय लॉ, यहाँ पे लफ्ज़ है जस्टिफाइड बाय लॉ, वहाँ पे बाउंड बाय लॉ 76 में, यहाँ पे जस्टिफाइड बाय लॉ, अगर बाउंड बाय लॉ आ जाए आप क्या समझ जाएंगे 76 का सेक्शन है, अगर जस्टिफाइड बाय लॉ आएगा आप कहेंगे 79 है। अब इसकी मिसाल कैसे, दो शख्स आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, और उनके अंदर से उनका इतना झगड़ा हुआ कि ए ने बी के सर के ऊपर कोई चीज़ दे मारी और दे मारकर उसका सर जख्मी करके वो भाग रहा है, और वहाँ पर पब्लिक खड़ी हुई, पब्लिक में से एक शख्स अपनी जिम्मेदारी समझते हो कि मैं शहरी हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसको पकड़ूँ, और वो क्या करता है, वो भाग कर उसको जो मार के गया है उसको पकड़ लेता है, ठीक है, और पकड़ कर कानून के हवाले कर देता है, और बाद में पता चलता है कि ये बेचारा तो खुद मजलूम है, जिसका सर फटा है वो इसको जान से मारना चाह रहा था, उसके पास पिस्टल थी उसको जान से मार रहा था, तो मुजरिम तो वो था, ये तो अपनी जान बचा के भागा था, तो अब क्या पकड़ने वाला शहरी मुजरिम है, नहीं, तो 79 शहरियों को तहफ़ देती है, ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि 79 किस को तहफ़ देती है, ये शहरियों को तहफ़ देती है, और जो 76 है वो किसको तहफ़ देती है, वो कानूनी मुलाजमीन को तहफ़ देती है, ठीक है। तो अब इसके एसेंशियल क्या है, यानी 79 क्या कहती है, अब एक शख्स, ठीक है, जो ड्यूटी बाउंड ना हो मगर वो ये समझे कि मैं जस्टिफाइड बाय लॉ हूँ, कानून की तरफ से मैं हक बजाने हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, और वो कोई मिस्टेक से कोई जुर्म कर बैठे तो क्या इन गुड फेथ करे तो क्या वो मुजरिम है, वो नहीं है, एसेंशियल क्या पूरे होने चाहिए तब मुजरिम नहीं, एक्ट डन बाय पर्सन जस्टिफाइड बाय लॉ,
एक शख्स जो काम करे वो कानून से हक बजानिब हो, यानी शहरी का हक है ना मुजरिम को पकड़ना, तब अगर उसका किसी काम के अंदर इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है और फिर वो इस तरह का काम करेगा, उसको पता भी है शहरी को कि ये काम मेरा नहीं है, ये ऑफिसर्स का काम है, तब वो करेगा, तब वो मुजरिम है। दूसरा, आर बिलीविंग बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, उसमें भी 76 में भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना ज़रूरी है। अगर मिस्टेक ऑफ लॉ डाल दिया, आपका सवाल गलत कर दिया, यहाँ पे मिस्टेक ऑफ लॉ डाल दिया, गलत कर दिया। फिर इन गुड फेथ, गुड फेथ के अंदर, ठीक है, अब आपसे सवाल लॉ गेट में पूछ सकता है कि 76 और 79 में, 79 में क्या फ़र्क है। 76 शख्स को कानूनन पाबंद करता है या वो खुद को पाबंद तसव्वुर करता है कि वो ये करने के लिए पाबंद है, और 79 के मुताबिक शख्स अपने आप को हक बजानिब तसव्वुर करता है कि वो ये करने के हक रखता है। वहाँ पर क्या नाम है, बाउंड बाय लॉ 76 में, और यहाँ पर क्या नाम है, जस्टिफाइड बाय लॉ का आएगा। अगर इसका उल्ट आ जाए तो आप गलत कर देंगे, आप कहेंगे नहीं, अगर 76 के अंदर आ जाए कि जस्टिफाइड बाय लॉ तो वो गलत हो गया, वहाँ पे सही क्या है, बाउंड बाय लॉ। अगर 79 के अंदर आ जाता है बाउंड बाय लॉ, गलत है, यहाँ पे सही क्या है, जस्टिफाइड बाय लॉ। बनाएगा इसी तरीके से भाई, बनाएगा इसी तरीके से, लेक्चर देखने हो देख लें, नहीं उठा के बाहर फेंक दें, फेल होना है आपकी अपनी मर्जी, बनाएगा ऐसे ही। आप ये कह दें कि इस तरीके से हमें ना समझाएं, मैं तो जस्ट एक लेक्चर समझा दें, ऐसे तो नहीं, मेरा फ़र्ज़ वो है जो मैं अपना पूरा कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ कि जो आपको बार बार पांच पांच चार चार अटैम्प्ट के अंदर जो फेल करवा रहे हैं ना, उनकी वजह तलाश करने के बाद ही ये सिलसिला शुरू किया है कि लेक्चर काम आते हैं, मगर ये चीज़ आपको सवाल समझने के लिए ज़रूरी है कि मुझे ये कर देगा तो क्या। अब मुझे बताए कहाँ पर ये है कि क्या नाम है कि 76 के अंदर वो कानूनन पाबंद ड्यूटी बाउंड होगा, यहाँ पे ये होगा, और 76 जो है वो तहफ़ुज़ देगी किसको, आपसे पूछ ले, 76 किसको तहफ़ुज़ देगी, कानूनी मुलाज़िम को तहफ़ुज़ देगी। 79 आपसे पूछ ले किसको तहफ़ुज़ देगी, वो एक आम शहरी को तहफ़ुज़ देगी, ठीक है। तो इस तरह के सवाल पूछेगा, जब इस तरह के सवाल पूछेगा मुझ पर तो हक बनता है ना, मैं एक हक भी जानता हूँ और मैं वो हक करूँ भी ना, ये तो गलत है। मैं अपने मिशन को जारी रखूँगा, बाकी किसी ने मानना हो माने, ना मान, नहीं मानना ना माने। आगे है कि अगर अगला सवाल बना के देगा, क्या सेक्शन 79 का इतलाक लोकल और स्पेशल लॉ के तहत आता है, ठीक है। हाँ, 79 का जो इतलाक है लोकल स्पेशल के तहत जो है वो नहीं आता, ठीक है। क्या स्पेशल और लोकल लॉ पे इतलाक होता है 79 का, आप कहेंगे नहीं होता, तो आपसे पूछ सकता है कि इस 79 सेक्शन ऑफ पीपीसी इज एप्लीकेबल ऑन स्पेशल और लोकल लॉ, आप कहेंगे नो, ये उस पर अप्लाई नहीं होगा, वो अलग है। आपसे पूछ सकता है अब अगला सवाल ये कि गैर कानूनी हुक्म की तामील से इनकार करेगा, अगर पैरवी करेगा तो मुजरिम है, अगर उसने हुक्म ही गैर कानूनी जारी कर दिया, ठीक है, तो फिर उसका इनकार कर देगा। ये क्या है, इसके अंदर मैं केस लॉ भी आपको बता देता हूँ, PLD सन 1970 कराची का केस है, सफ़ा नंबर 261, यहाँ पे क्या कहता है कि कानूनी जो है, गैर कानूनी अगर हुक्म होगा उसकी इनकार कर किया जा सकता है। अभी तक हमने क्या देखा, एक एक लाइन में दोबारा देख लेते हैं। 76 कहता है कि कोई शख्स मिस्टेक ऑफ लॉ के ज़रिए नहीं बल्कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट के ज़रिए से अगर अच्छी नीयत के साथ कोई जुर्म कर बैठता है और ये समझता है कि मैं कानूनी तौर पर पाबंद हूँ तो उसका जुर्म नहीं हुआ, ठीक है। 77 ये कहता है कि जज साहब अगर अपने दायरा अख्तियार में रहते हुए गुड फेथ में रहकर अब कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग के दरमियान अगर वो कोई गलती कर बैठते हैं तो वो मुजरिम नहीं है, मगर ये कि क्या वो अपना कमरा अदालत में हुक्म जारी करेंगे या अपने रेस्ट रूम में भी कर सकते, रेस्ट रूम में भी कर सकते। फिर दूसरा ये कि क्या वो इंतज़ामी अमूर में एग्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग के अंदर उस मैटर के अंदर वो हुक्म दे सकते हैं, हाँ वो तब दे सकते हैं अगर वो एग्जीक्यूटिव मैटर के अंदर जुडिशरी जो है वो पहलू इन्वॉल्व हों तब। 78 ये कहता है कि अगर कोई कोर्ट का आर्डर जो है वो फॉलो करते हुए अगर कोई गलती कर ले तो क्या वो मुजरिम होगा, वो मुजरिम नहीं होगा, मगर क्या कि वो कोर्ट का आर्डर एक्सपायर ना हुआ हो, और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो ये देखे कोर्ट जब आर्डर पास कर रही थी तो वो
जुरिसडिक्शन रखती थी या नहीं रखती थी। ठीक है, 79 क्या कहता है कि कोई शख्स अपने आप को हकबा जानिब समझे और ये समझे कि मुझ पे ये हक है, कानून ने शायद मुझे ये हक दिया है और मैं ये काम करूँ अच्छी नीयत के साथ करे, जिस तरीके से वो किसी शख्स को, दो शख्स झगड़ा कर रहे हैं उनमें से किसी को पकड़ ले और अरेस्ट करवा दे और जिसको अरेस्ट कराया वो बेचारा खुद ही मजलूम था तो उसने कोई जुर्म नहीं किया। फिर 76 जो है वो कानूनी मुलाजिम को तहफ़ देती है और जो 79 है ये आम शहरी को तहफ़ देती है। अब 80, एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट, कोई हादसा या इत्तफाक से कोई जुर्म हो जाए मगर वो काम जो कर रहा था वो गैर कानूनी ना हो तब उसने कोई जुर्म नहीं किया। अब इसके एग्जेंप्शन क्या है, एक्ट डन इन डूइंग लॉफुल एक्ट, वो जो काम कर रहा है वो कानूनी काम होना ज़रूरी है। फिर एक्ट डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून, वो जो उससे गलती हुई है वो हादसाती तौर पर हुई हो या मिसफॉर्चून बदकिस्मती से हुई हो। फिर अगला एसेंशियल क्या ज़रूरी है, डन इन लॉफुल मैनर एंड बाय लॉफुल मीन, कानूनी तरीके से कर रहा हो और कानूनी दायरे में रह के कर रहा हो, कानूनी ज़राए के अंदर रह के कर रहा हो, विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन, पूरे एहतियात और तवज्जो से कर रहा हो। देखो ये एसेंशियल पूरे होंगे तो 80 लागू होगा, ये एसेंशियल पूरे नहीं होंगे उसमें से किसी एक की मिस्टेक डाल देगा और आपसे लॉ गेट में पूछेगा, आप समझेंगे सवाल पूरा है इसलिए होश से पढ़ लेना, तमाम ये एसेंशियल पूरे कर रहा है 80 तब वो शख्स मुजरिम नहीं है। अगर वो कह, अगर वो ये इसमें से किसी एक की मिस्टेक डाल दे, कह दे कि एक्ट डन इन अनलॉफुल मैनर एंड बाय अनलॉफुल मीन, गैर कानूनी तरीके से कर रहा और गैर कानूनी ज़राए के तहत कर रहा, अब सवाल गलत बन गया, क्या लॉफुल मीन हो और लॉफुल मैनर हो। अब यहाँ से आपको सवाल कौन कौन से पूछेगा, बड़े अहम सवाल यहाँ से बनाता है 80 से। पहला सवाल ये आपसे बनाता है कि एक जो किसान है वो कुल्हाड़ी के ज़रिए से दरख्त के ऊपर से फल काट रहा है और वो फल इतना भारी है, ठीक है, कि वो फल आकर एक शख्स नीचे से गुजरता है उसके सर पे गिर जाता है या कुल्हाड़ी आकर लगती है, वो शख्स ज़ख्मी हो जाता है, कि उसने जुर्म किया नहीं, क्यों, उसका इरादा, वो सारे एसेंशियल ये पूरे कर रहा है, ठीक है, क्या एसेंशियल पूरे कर रहा है कि वो लॉफुल तरीके एक्ट कर रहा है, फल तोड़ना गैर कानूनी काम नहीं है, एक्सीडेंट बदकिस्मती से हुआ या हादसाती तौर पर हुआ। फिर उसने जो अंदाज अपनाया था लॉफुल मैनर था, वो एहतियात के तहत ऊपर से कर रहा था, अचानक हादसाती तौर पे कोई बंदा भागता हुआ नीचे से गुजर गया और फिर उसको लग गया तब वो नहीं, और अपना प्रॉपर केयर से कर रहा था। तो ये सवाल आपसे पूछ सकता है कि दरख्त से ऊपर जिस तरह फल ला के गिर जाए या कुल्हाड़ी गिर जाए तो नहीं, वो मुजरिम नहीं, अगर उसने एहतियात से किया था, गुड फेथ में किया था। दूसरा है कि चोर को घर से निकालते वक्त, आपसे ये सवाल पूछेगा, चोर को घर से निकालते वक्त हाथापाई के दौरान जो मालिक मकान था उसने उतनी उस फोर्स लगाई कि जितनी ज़रूरी थी और वो उस चोर को मार देता है, जान से मार देता है, तो क्या वो मुजरिम है, नहीं, कब, वो ऊपर वाले तमाम एसेंशियल पूरे हो कि लॉफुल मैनर कर रहा है, उसका हक है बाहर निकालना, उतनी ताकत इस्तेमाल कर रहा है जितनी लगाई जा सकती है और फिर उसके बावजूद चोर रिजिस्ट कर रहा है, चोर उसको वो मारने की कोशिश करता है और फिर उस हाथापाई में वो मारा जाता है, वो मुजरिम नहीं है। फिर आपसे पूछ सकता है कि शिकार खेलते वक्त गलती से कोई गोली किसी दोस्त को लग जाए, वो भाग के सामने से गुजर जाए, गोली लग जाए, तो नहीं, वो मुजरिम नहीं है। फिर अगला सवाल आपसे पूछ सकता है कि मजदूर छत के ऊपर बैठा है और ईंटें नीचे फेंक रहा है और लोगों को उसने पहले आगाह कर दिया है कि भाई मैं यहाँ से ईंटें वो कर रहा हूँ, गली भी बंद कर दी है, मगर एक बंदा अचानक भागा भागा उस बंद गली के अंदर से साइड से गुजर के जाता है और ईंट उसको लग जाती है, तो क्या वो मजदूर मुजरिम है, आप कहेंगे नहीं, क्यों, उसने लॉफुल मैनर के तहत किया था, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कि इत्तफाक से अमर, ठीक है, यहाँ पे एक नोट, बड़ा कीमती नोट है, इत्तफाक और वकुआ, यानी इत्तफाक कहते हैं एक्सीडेंट को, हादसे को इत्तफाक, और इंसिडेंट कहते हैं वकुए को, ये हम मैंने नहीं है, इंसिडेंट और होता है, एक्सीडेंट और होता है, इंसिडेंट कहते हैं जो रोज़ाना मामूल का काम हो, ऊपर जो वाला काम हुआ ये इंसिडेंट नहीं थे। क्या रोज़ाना शिकार करते वक्त गोली किसी को लगती है, नहीं ना, क्या रोज़ाना मजदूर को छत के ऊपर से ईंट गिराते वक्त कोई बंदा मरता है, नहीं ना, तो ये एक्सीडेंट हुआ, इंसिडेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद कि चोर को घर से निकालते वक्त क्या हर मर्तबा चोर जो है वो मर जाता है, नहीं ना, तो ये इंसिडेंट नहीं है। तो आपसे पूछ सकता है कि जितने ऊपर 80 के अंदर हैं इंसिडेंट होना ज़रूरी है या एक्सीडेंट, आपको इंसिडेंट नहीं। अब इसके लिए क्या नाम है,
केसला भी आप देख लें, बड़ी पुरानी किताब है, सन 1868 की किताब है। किताब का नाम है LR3CP, LR3CP सन 1868 की, इसका सफ़ा नंबर 313, वो भी यही बात करता है। ठीक है, 81 कहता है कि एक्ट लाइकली टू काज हार्म। ठीक है, अगर कोई ऐसा काम करता है कि जो नुकसान पहुंचने का तमाल हो, बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, लेकिन उसका कोई इरादा मुजरिमाना नहीं है, एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म, और वो चाहता है दूसरे नुकसान को रोक ले, यानी ऐसा फेल जिससे नुकसान पहुंचने का एहतमाल तो हो लेकिन वो मुजरिमाना नीयत से ना किया जाए और इस नीयत से किया जाए कि कोई दीगर नुकसान को रोक ले, तो क्या वो जुर्म है? नहीं। मसला वो ये कहना चाहता है कि अगर एक मकान में आग लगी है और वो शख्स ये देखता है कि इस मकान के अंदर से कोई इतनी आग भड़क उठेगी कि तारों को लग जाएगी, बाकी घरों को लग जाएगी, तो वो उस घर की दीवारों को गिरा देता ताकि आग बुझ जाए। तो दीवारों को गिराना, किसी घर की दीवार गिरा देना कितना जुर्म है, मगर यहाँ पे मुजरिम नहीं है। क्यों? कि उसने ये अच्छी नीयत से किया और एक हार्म को रोकने के लिए किया, ठीक है, एक दूसरे नुकसान को रोकने के लिए किया तब, ठीक है, तो वो मुजरिम नहीं है। अब देखो इसके एजेंशियल क्या है, एजेंशियल ज़रूरी है, ये पूरे होंगे तो 81 काम करेगी, वरना नहीं, एक भी कमी होगी नहीं। पहला एजेंशियल क्या है, एक्ट डन इन गुड फेथ, वही कि अच्छी नीयत से किया गया हो, टू प्रिवेंट अदर हार्म, दूसरे नुकसान को रोकने के लिए, एक नुकसान किया हो। ये भी देखना पड़ेगा कि अगर जो नुकसान किया, आपसे पूछ सकता सवाल में, जो नुकसान उसने किया वो छोटा है, वो बड़ा है, जो उसने नुकसान किया वो बड़ा है, और जो नुकसान होने वाला था वो मामूली नेचर का था, अब उसने वो जुर्म किया या नहीं किया? अब जुर्म किया, एक घर को थोड़ी सी आग लगी है, हल्की सी, उसके घर के ऊपर जो है थोड़ी सी दीवार पे आग लगी और पूरे घर को गिराना शुरू कर दे, ये तो जुर्म है। ठीक है, तो नहीं, बड़े हादसे से रोकने के लिए छोटा हादसा करे, तब जो है 81 काम आएगी, वरना नहीं। तो पहला गुड फेथ में, दूसरा दूसरे बड़े हार्म को रोकने के लिए, तीसरा मेयर नॉलेज, सिर्फ ये इलम होना दैट इट मे काज हार्म, नेवर मीन इट इज़ एन ऑफेंस, ये इलम होना कि ये क्या नाम है, ये नुकसान है, पैदा कर देगा, ये उसको मुजरिम नहीं बनाता। मसलन एक आपको ये सवाल दे सकता है कि एक घर में आग लगी है और चारों तरफ से रास्ता बंद है, ये सवाल पूछ सकता है 81 में कि पूरे घर में आग लगी, कोई रास्ता नहीं है बच्चे को बाहर निकालने का, एक शख्स ऊपर से बच्चे को नीचे 3 मंजिला जो है इमारत से नीचे फेंकता और नीचे लोग कंबल पकड़ के, ब्लैंकेट पकड़ के खड़े हुए हैं, तो अब वो बच्चा नीचे गिरता है और वो कंबल पर तो आके गिरता है, उछाला लेके नीचे गिर जाता और मर जाता है या ज़ख्मी हो जाता है, तो उसने कोई जुर्म किया? नहीं किया। क्यों? जबकि वो जानता था कि बच्चे को, यहाँ पे कहा कि क्या नाम है, सिर्फ जान लेना उसको मुजरिम नहीं बनाता है, वो जानता था कि इस तरह करने से बच्चा मर सकता है, मगर उसके पास रास्ता ही कोई नहीं था, दूसरा ऑप्शन ही कोई नहीं था। ठीक है, तो 81 का कहता है कि कोई ऐसा काम करे कि जो काम जो है, जो बड़े खतरे को रोकने के लिए छोटा खतरा अगर कर दे अच्छी नीयत के साथ, तो वो जो है वो जुर्म नहीं होगा। अब इसमें आपको सवाल कौन सा बनाकर देगा, वो आपको सवाल बनाकर देगा, कश्ती का कप्तान है, ठीक है, वो अपनी कश्ती लेके चल रहा है, उस कश्ती के अंदर 15-20 लोग सवार हैं, वो एक ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहाँ पे एक तरफ बड़ा जहाज खड़ा है जिसके अंदर जो है कम अज़ कम 100-150 आदमी है, और दूसरी तरफ एक छोटी कश्ती खड़ी, उसमें 2-3 आदमी हैं। अब वो इतनी तेज़ी में है कि उस अपनी कश्ती को, अपने जहाज़ को रोक भी नहीं सकता वो कप्तान। अब वो किसको टकराए? उसने ये देखा कि अगर मैं बड़े जहाज़ को टकराता हूँ मुझे भी ज़्यादा नुकसान है और बड़े जहाज़ को भी नुकसान है, ज़्यादा बंदे मरेंगे, इसलिए वो छोटी कश्ती को टकरा जाता है और छोटी कश्ती के बंदे मर जाते हैं और 2-3 बंदे मर जाते हैं। क्या उसने जुर्म किया? नहीं। क्यों? देखो वही वाली 81 में कि उसने बड़े जुर्म को रोकने के लिए, बड़े नुकसान को रोकने के लिए छोटा नुकसान कर दे, उसके पास कोई ऑप्शन भी ना हो, अगर वो इसमें 81 में डाल दे उस पर ऑप्शन था तब करे, आप कहेंगे नहीं। अब एक बड़ा कीमती केसला है, वो भी इसके अंदर पेपर में आपको दे सकता है, ठीक है, वो ये केसला है कि मुलजिम ने बंद बनाया, बारिशें हो रही थी बहुत ज़्यादा और उनके घर नीचे थे बस्ती में, ठीक है, उसने क्या किया कि ऊपर जाकर एक बंद बना दिया कि जो बारिशों का सीज़न शुरू हो
तो उस बंद के अंदर पानी इकट्ठा हमारी बस्तियों के नीचे ना आए, हमें नुकसान ना पहुँचे। और उन बंदों ने बंद बना दिया और उसमें बहुत पानी इकट्ठा हो गया। कुछ ऐसे लोग थे जो उसके खिलाफ थे, वो बंद ऊपर जाके तोड़ने लगे। उसने उन बंद को उनको तोड़ने से बचाया, वो आपस में लड़ पड़े और उसी हालात के दौरान वो नीचे गिरते हैं, वो मर जाते हैं। ठीक है, वो जो बंदे जो बंद तोड़ रहे थे वो मर जाते हैं। तो क्या बचाने वालों ने, बंद को बचाने वालों ने जो कत्ल भी उनके हाथों हो गया, क्या जुर्म किया? तो उन्होंने जुर्म नहीं किया। क्यों? कि वो सबको बचा रहे थे, बड़े नुकसान से बचा रहे थे कि पूरी बस्ती तबाह हो रही थी। तो ये केस ला है PLD 1979 का, लाहौर का केस है, सफ़ा नंबर है 711, वो भी यही बताता है। ठीक है, कि वो बरी हो गया था। आगे है सेक्शन 82, बड़ा अहम और बड़ा सादा सा है। वो ये कहता है कि 10 साल से की उम्र तक का बच्चा अगर कोई जुर्म करता है तो क्या वो जुर्म होगा? एक 10 साल की उम्र के बच्चे से कोई बंदा कत्ल हो जाए, कोई ज़ख्मी हो जाए, कोई जुर्म हो जाए, तो क्या वो बच्चा मुजरिम है? नहीं, क्योंकि 10 साल तक की उम्र के बच्चे के अंदर क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होती। ठीक है, वो मुजरिमाना ज़हनियत नहीं रखता। हाँ, ऐसे केसेस भी हैं, ठीक है, मैंने ऐसे केसेस पढ़े हैं कि वो स्पेशल क्राइम के तहत आते हैं, कि जिनके अंदर इंडिया के कुछ केसेस हैं कि उसमें 10 साल के बच्चे ने बहुत से लोगों को मुकम्मल प्लानिंग के ज़रिए से मारता गया। इस तरीके से इंग्लैंड के केसेस पढ़े तो वहाँ पे मैं हैरान हुआ कि वो 11 साल का बच्चा था और उसने सीरियल किलर था। फिर एक छोटी बच्ची थी यूरोप की, वो सीरियल किलर थी और उसने इतने बंदे मार दिए थे, इतने बच्चे मारती थी वो, कि क्योंकि उसको ये लगता था कि हाँ, मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते। तो वो एक अलग स्पेशल केस है, मगर आम हालात में 10 साल का जो बच्चा है वो अगर कोई जुर्म कर बैठे तो वो मुजरिम नहीं है। तो 82 यही कहती है। हाँ, आपसे 82 के अंदर एक लाइन ऐड करके पूछ सकता है। वो लाइन ऐड करके क्या पूछ सकता है? वो ये पूछ सकता है कि क्या 82 के अंदर दफ़ा 40 शामिल हो सकती है? हाँ, दफ़ा 40 भी ये कहती है कि स्पेशल और लोकल लॉ के तहत भी एक 10 साल का बच्चा मुजरिम नहीं होता। ठीक है, पूरी 40 को पढ़ना, सेक्शन 40 PPC को पूरा पढ़ना, वो आपको पूरी ऊपर वाली सिर्फ नहीं, नीचे पूरे जो अलग सेक्शन उसने दिए हैं उन सेक्शन के तहत भी लोकल और स्पेशल लॉ के तहत अगर कोई बच्चा जो है वो जुर्म कर बैठता है तो वो भी मुजरिम नहीं होता। तो 82 PPC की और 40 PPC की दोनों इकट्ठी मिलकर काम करती हैं। 83 आपको एक्ट डन बाय चाइल्ड अबाउट 10 ईयर ऑफ एज बट अंडर 12 ईयर ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। एक बच्चा है, वो आपसे कहता है कि बच्चा जो है वो 10 साल से तो बड़ा है मगर 12 साल के अंडर में है, अंडर 12 ईयर ऑफ एज है, और इतनी मैच्योर अंडरस्टैंडिंग नहीं रखता। अब वो कोई जुर्म कर बैठता है तो क्या वो जुर्म होगा? वो भी जुर्म नहीं है। तो 82 और 83 क्या कहती है? 82 कहती है 10 साल का बच्चा को जुर्म कर दे तो जुर्म नहीं। 83 यह कहती है कि 10 साल से तो ज़्यादा है मगर 12 साल से कम है और मैच्योर नहीं है, तब वो जो है वो कोई जुर्म कर दे तो वो जुर्म नहीं है। मगर यहाँ पर आपको एक केस ला बता रहा हूँ, वो है PLD, सन 1949 का है, ये भी लाहौर का है, 372 इसका पेज है। ये बताता है कि अगर मजिस्ट्रेट ये देख ले बच्चे को और अंदाज़ा लगा ले कि 12 साल तक का बच्चा है मगर इतनी मैच्योरिटी जहन की रखता है कि इसको पता था, इसने जो जानबूझ के जुर्म किया है, और सबूत भी ये चीज़ पेश कर रहे हों कि नहीं, इस बच्चे को इलम था, ये इंटेंशन रखता था, अब मजिस्ट्रेट अलर्ट हो जाएगा, अब वो पूरे के पूरे केस को जो है बड़ी गहराई से देख के फिर फैसला करेगा। ठीक है, तो ये PLD केस ये बताता है। 84 हमें बताता है कि एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, अगर एक पागल आदमी या एक नशे से चूर आदमी या एक ऐसा आदमी जो किसी बीमारी की वजह से जहनी सलाहियत खो बैठा हो या आर्जी तौर पर जिस टाइम वो जुर्म कर रहा है उस टाइम खो चुका हो, ठीक है, यानी इसका ताल्लुक है जुर्म करते वक्त उसका जहनी तवाज़न ठीक ना हो। ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं कि आम हालात के अंदर वो ठीक होते हैं मगर जुर्म करते वक्त उसका हालात, उसका जो जहनी तवाज़न ठीक नहीं था और उसने जुर्म कर दिया, अब वो मुजरिम नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि पागल आदमी जो है बेशक वो नशे की वजह से हो, फातर लकल नशे की वजह से हो, बीमारी की वजह से हो, किसी और वजह से हो, तो अगर वो जुर्म करे तो जुर्म नहीं है। तो उसके एसेंशियल क्या है? नथिंग ऑफेंस, ऊपर वाले के दो मैंने एसेंशियल नहीं बताया क्योंकि उसके अंदर है ही बच्चा,
ठीक है, बच्चे ने एक ही जनशल उसका ज़रूरी है कि बच्चे ने किया, वो गुड फेथ में किया, जिसमें भी किया ये चीज़ बाद की, बस ये कि बच्चा होना ज़रूरी से उसके जनशल नहीं बताए। 84 है कि नथिंग ऑफेंस, वो जुर्म नहीं होगा, डन बाय पर्सन ऑफ अनसोन्ड माइंड, अगर वो किसी फातरुल अकल जो है शख्स ने किया था, ठीक है, इनकैपेबल टू नो इन इट्स लीगैलिटी, और वो ये नहीं जानता था कि इसकी इसका नुकसान क्या है। मगर केस ला इंडिया का AIR का सन 1932 का, इसका सफ़ा नंबर 233 ये कहता है कि साबित करना होगा कि दिमागी तवाज़न जुर्म के तबकाब के दौरान इस काबिल नहीं था कि फेल की नोयत को समझ सके। यानी वो ये कहना कहता है कि आपको ये फिर साबित करना पड़ेगा, जो ये चीज़ का प्ली लेगा कि ये बंदा जो है जो एडवोकेट प्ली लेगा कि मेरा जो क्लाइंट है जिस टाइम इसने जुर्म किया था तो उस टाइम इसका ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं था, तो उसको साबित करना पड़ेगा कि नहीं कैसे सही नहीं था, सिर्फ वैसे ही कह देने पर जज साहब नहीं मानते, साबित करना पड़ता है अदालत में, ठीक है, साबित हो गया फिर कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। तो 84 के अंदर क्या है कि वो शख्स जो था वो अनसाउंड माइंड का था, ठीक है, उसने कोई जुर्म कर दिया तो वो जुर्म नहीं, मगर अनसाउंड माइंड किस वक्त, एट द टाइम ऑफ कमिटिंग ऑफेंस, जिस वक्त वो जुर्म कर रहा था उस वक्त उसने जो है वो उसका जहन सही ना हो। 85 एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल, एक ऐसा शख्स जिसको उसकी मर्जी के बगैर कोई नशा दे दिया गया हो और वो जुर्म जिस वक्त कर रहा था उस वक्त उसको तमीज़ नहीं थी, उसको इस चीज़ का एहसास नहीं था कि मैं जुर्म कर रहा हूँ, तो वो भी मुजरिम नहीं है। कि किसी शख्स को नशा दे दिया गया हो और नशे की हालत के अंदर वो जो शख्स है वो ये ना जानता हो उसके वक्त कि नशे की हालत में कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ क्या बुरा कर रहा हूँ, तो वो मुजरिम नहीं है। अब इसके एसेंशियल ज़रूरी हैं, ये पूरे होंगे तो 85 काम करेगी वरना नहीं। पहला है कि पर्सन वाज इंटॉक्सिकेटेड, के शख्स जो था उसको नशा दिया गया था, नॉट बाय हिज विल, उसकी अपनी मर्जी से नहीं दिया गया था, बट एडमिनिस्ट्रेटेड अगेंस्ट हिज विल, बल्कि उसको दिया गया था उसकी मर्जी के बगैर, आर नॉट नोइंग सच एडमिनिस्ट्रेशन, या इस जो उसको दिया गया था वो इस नहीं जानता था कि मुझे नशा पिला दिया गया है। मसलन एक ऐसा डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन लगा दिया और डॉक्टर ये बताना भूल गया कि मैंने आपको इंजेक्शन लगाया, ये आपकी अक्ल को ज़ायल कर देगा, और वो जिस टाइम घर गया और घर में नाचाकी हो गई और उसने उस नशे की हालत में आके, वो इतना ज़्यादा नशे में डूबा हुआ था, कम नशा नहीं बहुत नशा, ये साबित करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा नशा था, ठीक है, और वो नशे में डूबा हुआ था और उसने उस हालत के अंदर कोई नुकसान कर दिया अपनी बीवी का बच्चों का, तो अब वो मुजरिम नहीं है, ठीक है, मगर साबित क्या पड़ना करना पड़ेगा कि नशे की मकदार बहुत थी, ठीक है, और ये साबित करना पड़ेगा नशा उसने खुद अपनी मर्जी से नहीं किया, ये नहीं कि बीवी को कत्ल करना चाहता था जानबूझ के नशा करके आया कि मुझे उजर मिल जाएगा जिस टाइम पकड़ा जाऊंगा तो पुलिस कहेगी तो उस टाइम नशे में था, नहीं, अगर पता चल गया कि जानबूझ किसने नशा किया था, ठीक है, या नशा करते वक्त उसको पता था कि ये शख्स मुझे नशा दे रहा है, ठीक है, तो उस वक्त वो क्या नाम है वो मुजरिम होगा, अगर उसको पता था कि मुझे नशा दिया गया है या वो खुद उसने नशा किया वो मुजरिम होगा। इसी के ऊपर केस ला इंडिया का है, AIR का केस है, ये भी ये है सन 1933 का, बड़ा पुराना केस है, लाहौर का ही केस है, 123 इसका सफ़ा है, वो भी ये कहता है अगर नशा खुद किया तब जुर्म का इर्तकाब में कोई उजर नहीं समझा जाएगा, अगर जानबूझ के नशा किया तब नहीं। तो 85 क्या कहता है, एक शख्स ने अगर नशा किया और वो उसने जानबूझ के किया तो वो शख्स जो है वो मुजरिम है, ठीक है, अगर उसने जानबूझ के नहीं किया, आपसे सवाल क्या करेगा, आपको ये करेगा कि उसने जानबूझ के नशा किया या वो जानता था कि नशा उसको दिया गया है, अब वो जुर्म करता है तो आप कहेंगे वो मुजरिम था, अगर कहता नहीं उसको पता था वो मुजरिम नहीं था। 86 ऑफेंस रिक्वायरिंग ए पार्टिकुलर इंटेंशन और नॉलेज, ऐसा जुर्म जिसको करते वक्त ख़ास तरह की नीयत और ख़ास तरह का इलम होना ज़रूरी है, कमिटेड, और वो ऐसा शख्स करता है बाय वन हु इज़ इंटॉक्सिकेटेड, वो ऐसा शख्स करता है जिसने नशा किया हो, ठीक है, तो इसमें क्या, जो किसी ख़ास इलम या नीयत से किया गया हो चाहे नशे की हालत में हो तब मुजरिम ही तसव्वुर होगा। देखो एक ऐसा जुर्म हुआ कि जो करने वाला तो मुजरिम है, बड़े गौर से समझना, सेक्शन कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, मैं सबसे आसान तरीके से समझा रहा हूँ, वरना इसके बहुत से तरीके समझने के, मगर मुझे सबसे आसान यही लगा। नशे की हालत के अंदर एक शख्स ऐसा जुर्म करता है कि अदालत और सबको ये पता चलता है कि ये जुर्म नशा ही नहीं कर सकता,
क्योंकि इस जुर्म को करने के लिए ख़ास महारत की ज़रूरत है, ख़ास इलम की ज़रूरत है, और ये शख्स अगर नशे में था तो ये जो जुर्म हुआ ये ख़ास नॉलेज के ज़रिए से हुआ है, ठीक है। तो इसने ये कैसे किया? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक नशे की हालत में शख्स है, वो 3 मंजिला सीढ़ियों के ऊपर खुद चढ़ के जाता, आपसे सवाल पूछ सकता है। वो सीढ़ियों पर चढ़ के जाता है और एक दूर घर के अंदर क्या नाम है एक बंदा बैठा है, यहाँ से रिवॉल्वर उठाता है और उसका निशाना दूर वहाँ पर बांधता है घर पर, और उसको बाकायदा एग्जैक्ट ऐसे पॉइंट पे मारता है कि जो बिल्कुल जो था कि थोड़ा सा भी वो बंदा इधर हो जाता तो पॉइंट मिस्टेक हो जाता, टारगेट मिस्टेक हो जाता, मगर उसको मार दिया। और उसने उसके जिस्म पे कई निशानात ऐसे मार दिए। तो अब पता क्या चला? नहीं, बेशक इसने नशे की हालत में किया, मगर ये नशा होने के बावजूद होश में था और उसने जानबूझ के किया। तो उस शख्स से जिसने नशे की हालत में ऐसा जुर्म किया हो कि जिस जुर्म को करने के लिए ख़ास महारत की, ख़ास नीयत की ज़रूरत हो, ख़ास एक्सपर्टनेस की ज़रूरत हो, और फिर वो नशे ही कर दे, तो ये समझा जाएगा नहीं ये नशे में नहीं था, और उसके साथ वही सलूक किया जाएगा जिस तरीके से एक आम मुजरिम के साथ किया जाता है, ठीक है। तो इसके एजेंशियल क्या हैं? इसके एजेंशियल वही है कि पहला ये कि सबसे बड़ा एजेंशियल कि वो अगर ख़ास महारत रखता था जुर्म, ठीक है, अनलेस द थिंग विच इज़ इंटॉक्सिकेटेड हिम विदाउट द नॉलेज एंड अगेंस्ट हिज विल, ये भी एसेंशियल है कि ये भी देखा जाएगा कि जो उसने नशा दिया उसने खुद किया था या किसी और ने दिया था, ठीक है। तो ये वाला इस 86 केस के अंदर अदालत को बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर इंडिया का एक सुप्रीम कोर्ट का केस है AIR का, ये बड़ा पुराना केस है 1956 का, सुप्रीम कोर्ट का पेज नंबर है 363। ये सुप्रीम कोर्ट एक बात कहती है कि अगर ऐसा केस आ जाए तो अदालत को सोच समझ के फैसला क्या करना होगा। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जहाँ तक इलम का ताल्लुक है, अदालत नशे की हालत के शख्स को नॉर्मल जैसा इलम रखने वाला समझेगी, जहाँ तक नॉलेज का ताल्लुक है। क्यों? इलम जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि वो नशे की हालत में भी मुकम्मल जायल नहीं होता। अगर इतना मदहोश है कि उसको पता ही नहीं कि मेरा हाथ क्या है, फिर तो है, अगर वैसे इतना मदहोश नहीं है तो अदालत क्या तसव्वुर करेगी, नशे की हालत में एक शख्स पूरा इलम खोता नहीं है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट यही क्या कहती है, मगर जहाँ तक नियत और इरादे का ताल्लुक है, इलम का कहती है इलम उसको होता है, हाँ नियत इरादे का ताल्लुक है, क्योंकि नियत और इरादा उसका अचानक बदल जाता है, अग्रेसिव फौरन हो जाता है नशे में, वो पैनिक हो जाता है, उस पर पागलपन का दौरा पड़ जाता है नशे की हालत में, उसको अदालत को राय मुकदमा हालात से करना पड़ेगी। इलम के हिसाब से क्योंकि उसको पता था कि वो क्या कर रहा है, ठीक है, अगर बहुत डूबा हुआ था नशे में फिर नहीं, अगर नॉर्मल नशे में था तो पता था। हाँ, जहाँ तक उसकी नीयत और इरादा है, हर केस में अदालत को गहराई में जाना पड़ेगा कि ये उसका, उसने किस हालात में ये केस किया है, क्या उसको पैनिक तो नहीं बना दिया गया था किसी और की तरफ से। और सबसे आखिरी नुक्ता, नशे की मुनासिब हद का ख्याल रखना चाहिए, ये भी देखना चाहिए कि उसको नशा कितनी मकदार में दिया गया था, ठीक है। तो 86 और 85 का ताल्लुक जो है वो नशे से है, ठीक है। 85 ये कहती है कि अगर उसने अपनी मर्ज़ी के बगैर कोई नशा किया और उसके अंदर वो कोई जुर्म कर बैठता है और वो नशा उसने खुद अपनी मर्ज़ी से नहीं किया तो वो मुजरिम नहीं है, ठीक है, अगर उसने नशा खुद किया तो मुजरिम है। 86 ये कहती है कि अगर उसने ऐसा जुर्म किया कि जिस जुर्म को करने के लिए ख़ास इलम, ख़ास महारत, ख़ास इरादे का जो है इन्वॉल्वमेंट होती है, फिर उसने किया तो समझा जाएगा कि नशे में नहीं था, इसने ये किया है, तो अदालत को सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का केस है AIR 1956, सुप्रीम कोर्ट पेज 363, बहुत पुराना केस है। उसके बाद 87, ये है खिलाड़ियों को तहफ़ देता है, ठीक है। 90 तक हम, चलो हम कल 90 तक पढ़ेंगे, आज हम 87 तक पढ़ते हैं, क्यों कि उसकी सेक्शन फिर कम है, वो मैंने ये इरादा किया था कि 90 से ऑनवर्ड कर लेंगे, चलो हम 87 तीन सेक्शन और यहाँ से ले लेते हैं तो उसमें आ जाएंगे, क्योंकि आज समझाया इसके अंदर काफ़ी है, क्योंकि ये मैटर ऐसा था, ये जो अभी तक सेक्शन 87 तक गुजरी है कि ये बहुत कीमती सेक्शन थी, ठीक है। आगे जो आएंगी इसकी सेक्शन बड़ी छोटी छोटी सी हैं जो जनरल एक्सेप्शन में आती हैं, ठीक है, थीके? तो इसलिए क्योंकि 87 और उसके बाद की जो तीन सेक्शन है ना 90 तक, वो थोड़ी सी लंबी हैं, 90 के बाद जो सेक्शन आएगी ना 95 तक, वो थोड़ी सी जो है वो सिंपल है। 87 जो है ना, ये ज़्यादातर खिलाड़ियों को तहफ़ देती है, वो ये कहती है कि एक्ट नॉट टू अटेंड एंड नॉट नोन, एक ऐसा काम जो
इस इरादे से ना किया गया और वो बंदा जानता भी ना हो, टू लाइकली टू काज डेथ, के वो मौत का सबब बन जाएगा और ग्रीवियस हर्ट या शदीद जख्मी कर देगा, डन बाय कंसेंट, और वो उसने दूसरे शख्स की मर्जी से किया। एक शख्स ऐसा काम करता है, जब वो काम कर रहा है वो ये जानता है कि इस तरह के काम से बंदा ज़्यादा ज़ख्मी नहीं होता और ना इससे मरता है, और कर भी रहा है उस अगले बंदे की मर्ज़ी से जिसको नुकसान पहुंचने वाला है, उसकी मर्ज़ी से करता है, तब अब इसके जेंशल बड़े कीमती, इसके जेंशल तो बहुत ही कीमती हैं। पहला, एक्ट विदाउट इंटेंशन टू काज डेथ एंड ग्रीवियस हर्ट। पहला इंटेंशन, उसकी नीयत नहीं है, ठीक है, कि वो मौत का सबब बने या उसको शदीद ज़ख्मी कर दे। फिर नॉट नोन, वो नहीं जानता, लाइकली टू काज डेथ, वो ये भी नहीं जानता कि पहला है कि इरादा नहीं है मौत पैदा करने का और ज़ख्मी करने का, दूसरा है कि उसको इलम भी नहीं है कि मौत पैदा होगी या उसको ज़ख्म ज़्यादा आ जाएंगे। बट काज इज़ ए पर्सन, लेकिन वो शख्स को ज़ख्मी कर देता या मार देता है अबाउ 18 ईयर, जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, हु हैज़ गिवन कंसेंट, जिसने अपनी रजामंदी दी थी, मे बी एक्सप्रेस्ड आर इम्प्लाइड, या तो उसने खुल कर दे दी थी या उसने इशारतन अपनी रजामंदी दी थी, तो अब ये जो है उसने जुर्म नहीं किया। यानी स्टासी ये कहती है कि एक दो दोस्त हैं जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, वो आपस में, एक दोस्त ए बी को कहता है कि आए बॉक्सिंग खेलते हैं, वो बॉक्सिंग खेलने के लिए चले जाते हैं, और दोनों 18 साल से ज़्यादा एज के हैं, और उस दौरान बॉक्सिंग के दौरान अचानक उसको कोई सर की तरफ या किसी जगह पे जो है वास्कुलर पार्ट के ऊपर उसके चोट लगती है, वो मर जाता है, तो अब ये जुर्म नहीं है। कब? शर्त क्या है कि उसको, उसका इरादा नहीं था मारने का, दूसरा उसको इलम भी नहीं था कि इस तरह मर जाएगा, और तीसरा ये कि जो मरा है वो 18 साल से ज़्यादा उम्र का हो, और अगली शर्त ये कि उसने जो रजामंदी दी थी वो अपनी रजामंदी के तहत खेला, यानी कि उसको ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे खेलने के लिए लेके गया हो या उसको शदीद मजबूर किया हो, नहीं, उसने रजामंदी दी हो, एक्सप्रेस दी हो या एम्प्लॉयड दी हो। तो आज हमने यहाँ तक देखा, मैं सिर्फ आपको रिपीट कर दूँ कि हमने 87 तक क्या देखा है। हमने 76 में देखा कि कोई शख्स अपने आप को कानूनी तौर के ऊपर ये समझे कि मैं इस करने का ड्यूटी बाउंड हूँ और वो गुड फेथ के अंदर कर दे, जुर्म नहीं होता। 77 ये कहता है, 77 क्या कहता है कि अगर जज अपने दायरे अख्तियार में रहकर और फिर एक जुडिशियल प्रोसीडिंग को वो करता है और उसमें कोई गलती कर बैठता है और गुड फेथ के तहत करता है तो मुजरिम नहीं होता। हाँ, सवाल ये कि वो अपने कमरे में बैठ के, रेस्ट रूम में अगर वो फैसला करता है तब हाँ वो कर सकता है, अदालत में बैठ के कर सकता है। फिर ये कि क्या वो इंतज़ामी अमूर के अंदर का फैसला करे, फिर गलती हो जाए तो इंतज़ामी अमूर वो हो कि जिसके अंदर जुडिशरी का कोई प्रोसेस इन्वॉल्व हो, तब वो जुर्म नहीं होगा। 78 ये कहता है कि कोई शख्स कोर्ट के आर्डर के तहत कोई जुर्म कर दे, ठीक है, मगर शर्त क्या है कि वो आर्डर एक्सपायर ना हो, और दूसरा ये ज़रूरी नहीं कि वो शख्स ये पूछता फिर कि कोर्ट उस टाइम जो मुझे आर्डर देती दे रही पास कर रही है क्या वो अथॉरिटी रखती है या नहीं, तो उसने कोई जुर्म नहीं किया अगर वो कर बैठता है। 79 ये कहती है कि कोई शख्स जो गलती से तसव्वुर कर ले कि मैं हक बजानेब हूँ और वो कोई शहरी किसी शख्स को गलती से पकड़ के किसी जगह पे वो ढकाए, तो वो जुर्म नहीं किया। 76 और 79 के अंदर क्या नाम है, फ़र्क क्या है? 76 में अपने आप को वो समझता है कि बाउंड बाय लॉ और 79 में जस्टिफाइड बाय लॉ, मगर दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि नॉट मिस्टेक ऑफ लॉ, कानून की मिस्टेक ना हो बल्कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट होनी ज़रूरी है। फिर 80 के अंदर हमने देखा कि एक्सीडेंट के तहत कोई काम हो जाए, बतौर अचानक हादसा हो जाए, कोई दरख्त से फल तोड़ते वक्त कुल्हाड़ी लग जाए, चोर को निकालते वक्त चोर मर जाए, शिकार खेलते वक्त गोली लग जाए, मजदूर ऊपर सीट गिरा रहा कोई शख्स नीचे मर जाए, तो ये तमाम काम इत्तफाक किए हुए उसको सज़ा नहीं होगी। 81 का कहता है कि अगर कोई ऐसा काम कि ऐसा फेल जिससे नुकसान पहुंचने का एहतमाल हो लेकिन बिला मुजरमाना नीयत और नुकसान पहुंचाए बगैर किया, तो वो नुकसान नहीं है, ठीक है, किसी बड़े नुकसान को रोकने के लिए कोई ऐसा नुकसान कर दिया, उसको पता था कि हाँ इससे नुकसान हो सकता है, जिस तरह कश्ती के कप्तान ने बड़ी कश्ती उसके ज़रिए नहीं, जहाज़ को उसके साथ नहीं टकराया, उस कश्ती के साथ टकरा दिया कि जिस कश्ती के अंदर थोड़े लोग सवार थे, छोटा नुकसान कर दिया, तो वो नुकसान नहीं हुआ। 82 और 83 बच्चे के बारे में है, वो ये कहती है कि बच्चा अगर कोई जुर्म करता है तो वो जुर्म नहीं। हाँ, 83 ये कहती है कि मजिस्ट्रेट ये देखे अगर बच्चा 12 साल तक का है और वो देखने में ये पता चलता है कि नहीं इसने किया होगा, तो वो सोच विचार करेगा, पूरी तहकीक करेगा, फिर जाके फैसला करेगा।
84 जो है ये कहता है कि पागल इंसान जो होता है अगर वो जुर्म करने के दौरान पागल था तो वो मुजरिम नहीं है। 85 ये कहता है कि अगर कोई शख्स को नशा दिया गया नशे की हालत के अंदर जिसने अपनी मर्ज़ी से ना किया और वो जुर्म करता है तो मुजरिम नहीं। 86 ये कहता है कि अगर किसी शख्स ने अपनी मर्ज़ी से नशा नहीं किया और उसको नशा दे दिया गया और फिर जाकर उसने कोई ऐसा काम किया कि जो काम कोई ख़ास महारत रखता था ऐसे नशे की हालत में बंदा नहीं कर सकता, उसको करने के लिए ख़ास तवज्जो की ज़रूरत थी, इल्म की ज़रूरत थी, फिर वो नशे की हालत में एक शख्स कर बैठता है तो अदालत सोच समझ के फैसला करेगी कि नहीं शायद हो सकता है कि इसको इल्म था, इसको इंटेंशन थी, तो सोच समझ के फैसला करेगी। मगर यहाँ पर देखेगी नशे की मकदार कितनी थी। 87 जो है वो खिलाड़ियों को तहफ़ देती है कि जो खिलाड़ी हैं वो किस हद तक जो हैं वो अगर 18 साल की एज तक के हैं और फिर अपनी मर्ज़ी से खेल खेलते हैं तो उन्होंने किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं किया। हमने यहाँ तक का किया, कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। हमारे में दुआ करना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद वअला आलिहि वसहबिहि वसल्लम। अल्लाह